इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ऑब्जेक्टिव्स। इस हिस्से में हम आपको इंटरनेट के बारे में मालूमात देंगे। इस हिस्से को करने के बाद आप जान जाएंगे कि इंटरनेट है क्या, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल वगैरह, और इंटरनेट को एक्सेस किस तरह किया जा सकता है। आपने इंटरनेट का नाम तो सुना होगा, किसी दोस्त की जुबानी या किसी अखबार में पढ़ा होगा, या फिर आपने इसके बारे में टीवी पर देखा होगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। एक नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर आपस में बात कर सकते हैं, यानी अपना डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जब हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको इंटरनेटवर्किंग कहा जाता है। इस इस्तलाह को आम जुबान में इंटरनेट कहा जाता है। इस तरह इंटरनेट के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में मौजूद लाखों बल्कि करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से दुनिया भर में इंफॉर्मेशन हासिल करने का तरीका ही बदल गया है, क्योंकि इंटरनेट के आने से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिसके मानी है एक बहुत बड़ा गांव, जहां पर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आपके घर पड़ा कंप्यूटर जापान में पड़े कंप्यूटर के साथ किस तरह इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है या इसको किस तरह कनेक्ट कर सकता है। दरअसल सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क का सहारा लिया जाता है। जिस तरह दो लोग आपस में फोन पे बात करते हैं, उसी तरह दो कंप्यूटर्स टेलीफोन लाइन के जरिए आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेट किसकी मलकियत है, इसे कौन चलाता है? इसका जवाब ये है कि ये नेटवर्क न तो किसी की मिल्कियत है और न ही कोई मखसूस ऑर्गेनाइजेशन या मुल्क इसको चलाता है। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर्स पर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन महफूज की होती है। अगर वो चाहें तो वो ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कनेक्टेड हर शख्स से शेयर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट कैसे एक्सेस किया जाए। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या ISP उन कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है जो सार्फीन से फीस लेकर उन्हें इंटरनेट से कनेक्शन की सहूलत फराहम करते हैं। ये हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहे वो अपने लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो जाता है और इस तरह पूरा इंटरनेट उसकी एक्सेस में आ जाता है। सर्विसेज ऑन इंटरनेट। जैसा कि आपने देखा, इंटरनेट हमें इंफॉर्मेशन शेयर और ट्रांसफर करने की सहूलत फराहम करता है। इसकी मिसाल सड़कों के जाल की मानंद है। जिस तरह हमें सड़क की वजह से बस और वैन्स की सर्विस प्रोवाइड होती है, उसी तरह इंटरनेट की वजह से हमें मुख्तलिफ सहूलियात मुयसर हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल्स वगैरह। वर्ल्ड वाइड वेब। वेब के मायने जाल के हैं। ये एक इंफॉर्मेशन का जाल है। इसको 1989 में एक फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने ईजाद किया था। उस वक्त वो सिर्फ यही चाहता था कि साइंटिफिक कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करे। वक्त के साथ साथ उसके आइडिया ने इतना जोर पकड़ा कि अब ये इंफॉर्मेशन शेयर और ट्रांसफर करने का बेहतरीन जरिया है। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे वेब पेजेस का मजमूआ है। वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर टेक्स्ट, इमेज, आवाज और मूवीज भी रखी जा सकती हैं। जिस तरह हर मकान का एक मुनफरिद एड्रेस होता है, तो कोई भी शख्स उस एड्रेस से सिर्फ उसी मकान तक पहुंच सकता है, यानी उस एड्रेस को फॉलो करके वो किसी और मकान तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरह हर वेब पेज का भी एक मुनफरिद एड्रेस होता है, जिसे URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वेब पेज का URL है। वेब पेज को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ वेब ब्राउजर्स मौजूद हैं, मसलन इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह। ये एक वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है। इस जगह पर URL लिखा जाता है। इस जगह पर वेब पेज यानी
मालूमात, तस्वीर वगैरह नजर आती हैं। जिस तरह एक टॉपिक पर लिखे गए सफात इकट्ठे कर दें तो ये एक किताब कहलाती है, इसी तरह एक से ज्यादा वेब पेजेस जो एक ही टॉपिक से मुंसलिक हों वेबसाइट कहलाती है। यानी एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा वेब पेजेस इस तरह पड़े होते हैं कि इन पेजेस पर जाने के लिए हमें यूआरएल नहीं लिखना पड़ता बल्कि लिंक्स मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीयू की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू अगर हम एकेडेमिक्स के वेब पेजेस पर जाना चाहें तो इस लिंक पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करने से हम मतलूबा पेज पर चले गए हैं। गौर करें कि ये एकेडेमिक्स एक लिंक कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप पूरी दुनिया के इलाकों का मौसम या ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं तो वो भी आपको वेब से मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक या सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको वेब से मिल सकती है। और इसका फायदा यह है कि आपको जगह जगह जाकर स्पेशली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वेब तक कैसे पहुंचें? वेब पर जाने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करें। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप अपने ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिए गए तरीके के मुताबिक इंटरनेट लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करें। फिर ब्राउजर को खोलकर इसमें मतलूबा URL लिखें और एंटर की प्रेस कर दें। यूं आप वेब से कनेक्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के जरिए जो एक और बड़ी सहूलत हमें हासिल है वो ईमेल है। जैसे कि आप जानते हैं, पुराने जमानों में एक दूसरे से राब्ता करने के लिए कागज पर लिखे खतूत का सहारा लिया जाता था। आजकल खतूत के साथ साथ ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल बढ़ चुका है। ईमेल असल में आम खत की तरह ही है, बस फर्क ये है कि इसे कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर पर लिखा जाता है और इंटरनेट की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मुंतकिल किया जाता है। इसे दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। जिस सॉफ्टवेयर में ईमेल लिखी जाती है इसे ईमेल क्लाइंट कहते हैं। इस ईमेल क्लाइंट के जरिए न सिर्फ नई ईमेल लिख सकते हैं बल्कि सेंड या रिसीव के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। ईमेल की डिलीवरी का प्रोसीजर आम मेल की तरह ही होता है, यानी खतूत एक लेटर बॉक्स से कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाए जाते हैं और वहां से दिए गए एड्रेस तक डिलीवर किए जाते हैं। ईमेल भी आपके कंप्यूटर लेटर बॉक्स से इंटरनेट के पोस्ट ऑफिस तक जाती है और वहां से उस शख्स के लेटर बॉक्स में जाती है जिसे वो एड्रेस की गई हो। वो शख्स जब चाहे कंप्यूटर लेटर बॉक्स से उस ईमेल को रिसीव या हासिल कर सकता है। उसे इस बात का डर नहीं होता है कि कोई और शख्स उसकी ईमेल पढ़ लेगा, क्योंकि ईमेल को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है, यानी एक ऐसा खुफिया लफ्ज जिसको इस्तेमाल करके आप ये बात साबित कर सकें कि ये आपका लेटर बॉक्स है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट बॉक्स लेते हैं। पोस्ट ऑफिस वाले इसकी चाबी आपको दे देते हैं। इस चाबी की वजह से ये पोस्ट बॉक्स आपके अलावा कोई और नहीं खोल सकता। मार्केट में बहुत से ईमेल क्लाइंट्स मौजूद हैं जिनमें से चंद ये हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक मशहूर ईमेल क्लाइंट है। इसके जरिए हम ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए आप सबसे पहले इंटरनेट लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करें। ईमेल को सेंड करने के लिए आप ईमेल क्लाइंट को खोलकर इसमें मतलूबा टेक्स्ट और ईमेल एड्रेस लिखकर सेंड के बटन पर क्लिक करें। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए ईमेल क्लाइंट पर मौजूद इस बटन जिस पर सेंड और रिसीव लिखा है इसको प्रेस करें। इस तरह करने से आपके नाम जो ईमेल हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। समरी। इस हिस्से में हमने आपको इंटरनेट, वेब और ईमेल के बारे में बताया। इसमें आपने ये भी जाना कि इंटरनेट बहुत से कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो कि टेलीफोन और सैटेलाइट की मदद से कायम है। इस नेटवर्क के जरिए लोग मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन एक दूसरे के कंप्यूटर से देख सकते हैं
और अपने कंप्यूटर में मौजूद इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दिखा भी सकते हैं। इंटरनेट हमें मुख्तलिफ सर्विसेज देता है, मसलन वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल। वर्ल्ड वाइड वेब मजमुआ है बहुत सारे वेब पेजेस का, और वेबसाइट एक से ज़्यादा रिलेटेड बहुत से वेब पेजेस का मजमुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दूसरी सहूलत ईमेल की है। ये आम खतूत की तरह नहीं होती, बल्कि इसको लिखने, पढ़ने और भेजने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये आम मेल से ज़्यादा तेज़ और महफूज है, और इसकी गुमशुदगी का इम्कान ना होने के बराबर है। और क्योंकि ये इंटरनेट पर रहती है, तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इंटरनेट की सहूलत फराहम है, वहाँ पे ये मेल देखी जा सकती है।